लेकिन इस ड्रामे का अंतिम सीन हम लिखेंगे। तो देखो यार, आज ना Z5 के ऊपर एक नई बॉलीवुड मूवी को रिलीज किया गया है जिसका नाम है साइलेंस का पार्ट नंबर 2, जो कि 2021 की सेम नाम की मूवी का जो है सीक्वल आप इसको बोल सकते हो। स्टारिंग मनोज बाजपेयी, साथ में आपको देखने को मिल जाती है प्राची देसाई। अब ये मूवी किस तरीके से बन के निकली है, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइक 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो बात करते हैं इस मूवी की जो स्टोरी है, इसका कोई भी कनेक्शन जो है पहले पार्ट से नहीं है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप बहुत आराम से इसके पार्ट नंबर 2 को देख सकते हो। बात करें इसके पार्ट नंबर 2 की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी की जो स्टोरी है वो फॉलो करती है बार के अंदर हुए हुए एक मर्डर केस को, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का जो है मर्डर हो गया है, लेकिन जिसमें से एक जो है एक मंत्री का एक बहुत क्लोज आदमी है। इस चक्कर में वो केस जो है वो आता है ACP वर्मा के पास, प्लेड बाय मनोज बाजपेयी। अब उनकी टीम जो है किस तरीके से उस केस को इन्वेस्टिगेट करती है विद आई वुड से लिटिल बिट ट्विस्ट एंड टर्न्स, विद लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट। अगर आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन टाइप की चीजें देखना पसंद आती है तो हो सकता है कि आपको ये मूवी जो पसंद आ जाए। तो अब किसने मंत्री के खास आदमी का मर्डर किया है, उसके पीछे की वजह क्या है और किस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो उस मर्डर को पकड़ने वाली है, यही इस मूवी की स्टोरी है, जिसको जानने के लिए आपको इस मूवी को अपने 2.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरे को ये मूवी जो है वो ठीक ठाक लगी। मतलब ऐसा कुछ भी इस मूवी ने मुझे ऑफर नहीं किया जो मैंने इससे पहले नहीं देखा है, चाहे वो ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से इसकी स्टोरी जो है वो आगे प्रोग्रेस करती है। आप बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो बहुत जल्दी गेस कर लेते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। इस मूवी का सिर्फ जो इकलौता पॉजिटिव पार्ट है वो है सारे के सारे एक्टर्स का काम, क्योंकि मूवी की स्टोरी के अंदर इतना दम नहीं है कि वो आपका ध्यान जो है अपनी तरफ बना के रख सके। लेकिन जिस तरीके से एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, स्पेशली मनोज बाजपेयी, आप ऐसा बोल सकते हो कि 2.5 घंटे की मूवी जो है वो अपने कंधे के ऊपर लेकर चल रहे हैं। तो एक्टिंग वाइज जो है ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके पॉजिटिव पार्ट में इसकी स्टोरी को भी रख सकता हूँ, जो मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन इसकी स्टोरी जो है कम से कम आपको बोर नहीं करती है, कुछ नया नहीं देती है, लेकिन एटलीस्ट वो आपको बोर नहीं करेगी। अब बात करते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला नेगेटिव पार्ट होगा इसकी प्रोडक्शन, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को G5 ने प्रोड्यूस किया है, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आप कोई सीरियल देख रहे हो। मतलब सस्ता CID मैं इसको बोल सकता हूँ, जिस तरीके से कट्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से सीन जो है वो चेंज हो रहा है, ना कोई कनेक्शन है, मतलब एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, कुछ तो कनेक्शन होता है ना आपको इसकी एडिटिंग के अंदर, इसकी प्रोडक्शन के अंदर बहुत कमी देखने को मिलती है। इसके बाद जो इसका अगला नेगेटिव पार्ट होगा देखो वो होगा इसके अंदर आपको जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं वो डिसेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप ना 2.5 घंटे का टाइम दो। 2.5 घंटे का टाइम जो है मैटर करता है, लाइक अगर आप कहीं और अपना 2.5 घंटे का टाइम लगाओगे ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। तो ये मूवी जो है वो इतनी कोई खास नहीं है, या इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स को इतना जबरदस्त नहीं है जिसको देख के आपका दिमाग घूम जाए। और क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बहुत बार देख लिया है तो मुझे पर्सनली इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रहते हैं। इन द एंड देखो मैं आप लोगों से बस इतना बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग मूवीज या शोज नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए, लेकिन पर्सनली मेरे को जो है वो इसने पूरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है और मैं इस मूवी को रेट करूंगा 2 out of 5 stars। तो मैं बोलूंगा कि आप इसको एक बार देख सकते हो, इट्स अ वन टाइम वॉच मूवी। तो ये थे मेरे थॉट्स, मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी साइलेंस का पार्ट नंबर 2। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।